What's his problem? क्या बोलो ओ, क्या है ना जी आजकल शादियों का मौसम चल रहा है ना जी शादी कराऊं मैं नहीं मेरी शादी नहीं जी ना तो गुलगुले की करानी है अरे मैडम आप ऐसा मत कहा कीजिए ना आप मेरी शादी की बात करती हैं तो मुझे शर्म आती है चलो दैट्स गुड टू नो किसी चीज पे तो तेरा शर्म आवे अबे फूट लेगा कुछ मुंह से तू शादी में लड़की का बाप है नहीं मैं तो जीजा हूँ जी अरे गोपी तूने बताया नहीं कि तेरी साली भी है सॉरी सॉरी मम्मी जी क्या है ना मेरी एक दूर की पास वाली साली है जी मैं उसकी शादी में गया था जी समझ गया मैडम मैडम क्या हुआ है कि गोपी की साली की शादी हो गई है तो अब गोपी को इस बात की चिंता है कि जब वो ससुराल जाएगा तो उसका मन नहीं लगेगा दिल नहीं लगेगा उसका है ना और नहीं नहीं पता क्या है जी वो साली की शादी की खुशी में ना जी मैं वहां ना जी अब पैंट पूरियां जी पैंट भूल गया मतलब तू बिना पैंट पहने गया था अयो पैंसठ पूरियां यार पैंट पूरियां जी और 28 कुलचे और 17 पराठे जी और 12 रोटियां कुछ मीट के डोंगे थे वो खा लिए जी बस हाय यार बरातियों ने क्यों छोड़ दिया बेटा उन्हें भी खा लेता ओ माय गॉड मम्मी जी पेट में बहुत दर्द हो रहा है कुछ घूम रहा है अंदर अबे साले इतना हपक के खाएगा तो पेट में दर्द थाने नहीं तोड़ के गुलगुले के होगा चल डॉक्टर के पास लेके चलूं नहीं मम्मी जी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा जी उनकी गोलियां तो बहुत कड़वी होती हैं जी वो खा के मेरा हाजमा खराब होता है शादी का जो है सामियाना तंबू टेंट और जो है कढ़ाइयां वगैरह सब जो है खा गया तब साले का हाजमा ना बिगड़ा अब जो है गोलियां डॉक्टर की गोलियों के नाम पे इसका हाजमा बिगड़ेगा बेटा या तो डॉक्टर की गोलियां खा या मारी गोली खा एक ही बार में केस खत्म वैसे मैडम अगर आप चाहें तो यहाँ पर पास में एक जानवरों का डॉक्टर है वहां जा सकते हैं सूट्स मी फाइन Don't go anywhere. Someone is coming, so please be there. Okay, bye. आइए. Excuse me, madam. क्यों? क्यों करे तने स्कूज? हैं? सारे पेट में भी दर्द हो रहा है के? पेट में नहीं, madam. पेट में नहीं, दिल में दर्द हो रहा है. तो डॉक्टर के पास जाओ ना यार. यहाँ किसे दिखाने आए हो? अरे दिखाने नहीं, लिखाने आया हूँ दूल्हे की ड्रेस में. नाम क्या था रा? यार पूरी सब्जी तो यार गदर है गदर याद आ गई मदर साले मैं यहाँ बात कर रही हूँ तू बीच में अपनी पूरी कचौली ठूसे ले रहा है जी मैडम मेरा नाम है नवीन नौजवान दूल्हे की ड्रेस में साले अधेड़ उम्र का आदमी बुढ़ापे की एकदम बॉर्डर लाइन पे पांव रख चुका है जो नाम साले का नवीन रखा हुआ है नवीन नौजवान वाह अरे रायता तो यार मैडी है मैडी याद आ गया डैडी अबे थारी समझ में ना आ रहा है कि मैं बात कर रही हूँ इतना खाने को लेके बिल्कुल ही पर्सनल हो रहा है तू यहाँ हाँ यार अगर खाना भी है तो इस तरह कोई अकेले थोड़ी ना खाते हैं मतलब आसपास जो लोग होते हैं उन्हें ऑफर किया जाता है पूछ तो लिया करो यार मम्मी जी केस जल्दी निपटाओ वरना मैं निपट जाऊंगा तू एक मिनट तू कौन है Who is you? Who are you? मैं दोस्त हूँ हाँ मतलब यार ये दोस्त और फ्रेंड का कुछ नाम भी तो होगा ना कुंवारा जी हमारा नाम है कुंवारा खरबंदा यानी कि खर और बंदा यानी कि कुछ नहीं देखिए मैडम हमारे साथ बहुत गलत हुआ है दूल्हे की ड्रेस में हाँ क्यों यार तुम्हारी घोड़ी की पूंछ पे किसी ने पटाखे बांध दिए क्या जिस घोड़ी पर बैठकर तुम लड़की वालों के यहाँ जा रहे थे अरे नहीं नहीं हासिया मत ऐसा कुछ नहीं हुआ था दरअसल हुआ ये मैडम कि हमारी शादी तय हुई थी दूल्हे की ड्रेस में और जिनके घर हमारी शादी तय हुई थी उनकी दो बेटियां थी छोटी और बड़ी और मैडम जब हम लड़की देखने गए तो दोनों लड़कियां वहां थी
और हमने तो साफ साफ कह दिया कि हमें छोटी पसंद है दूल्हे की ड्रेस में, क्योंकि हम नवीन नौजवान है दूल्हे की ड्रेस में। और मैडम उस छोटी से हमारी महीनों बात हुई है फोन में, दिन रात एसटीडी पर दूल्हे की ड्रेस में। हाँ अबे तो के चाह रहा है कि लड़की वाले जो है थारे फोन का बिल पेमेंट करें। नहीं मैडम। यार दाल तो यार एकदम धुआं धाकड़ है यार, एकदम यानी कि कुछ नहीं। देखिए मैडम, हमने जिसे पसंद किया था छोटी, उसकी बड़ी बहन से 3 महीने तक हम फोन में बात करते रहे मैडम, जबकि छोटी जो है वो है खूबसूरती का ताजमहल और बड़ी पुराना किला। अच्छा सिला मिला दूल्हे की ड्रेस में। वैसे नवीन वो छोटी वाली एकदम पटाखा है, यानी कि कुछ नहीं। और जब जयमाल का वक्त आया मैडम, तो हम तो छलांग मारते हुए स्टेज पर चढ़ गए वरवाला लिए दूल्हे की ड्रेस में। और वहां जाके देखा मैडम कि छोटी की बड़ी बहन दुल्हन की ड्रेस में खड़ी थी। Confusion. तो हमने उनसे पूछा कि क्या दीदी आपकी भी आज शादी है? उन्होंने कहा आपकी भी नहीं, मेरी ही शादी है तुम्हारे साथ दूल्हे के ड्रेस में मैडम। Oh my God! देखी बिपाशा निकली आशा। हाँ और मैडम बस हम उखड़ गए मैडम, और चलती हुई शादी से हम भागते हुए यहाँ आ गए मैडम, लड़की वालों के खिलाफ धोखाधड़ी की FIR लिखवाने के लिए दूल्हे की ड्रेस में मैडम। यार थोड़ी देर और रुक जाता ना, गाजर का हलवा और रख लेता प्लेट में। गाजर का हलवा यानी कि कुछ नहीं। हाँ लड़की वालों ने बुलवाओ और इसका मुंह धुलवाओ साले का, लेके जाओ इसको यहाँ से। तुम्हारी बेटी की शादी थी? हाँ हाचर हाचर। लेकिन दूल्हा हमारा अरमान गया है कचर कचर। लड़की का बाप होता है लाचार लाचार। नाम के है? जी हमरा ना ना तुम्हारे पड़ोसी का। देखो पड़ोसी का नाम तो हमको पता नहीं, लेकिन पड़ोसन का नाम हमको पता है, लवली हाचर हाचर। अबे अपना बोल ले सराफत से। जी हमरा नाम है रामू शुक्ला। तो शादी किसकी थी, इसकी या इसकी? अबे इस बुढ़ऊ के चश्मा लगाओ, सुसरे को दिखना रहा है दुल्हन की ड्रेस में अम्मा खड़ी है थारी। कैरी ऑन। अबे के कंफ्यूजन है अंकल जी छोटी बड़ी का? नमस्ते मैडम, मैं छोटी हूँ लाज के घूंघट में, और मैं बड़ी हवाओं को बहने दो। अबे ऐसे कैसे छोटी बड़ी हो रही हैं? शकल से तो तू छोटी और जो है ये बड़ी हो रही है। Yes, मैडम मैं छोटी हूँ लेकिन मैं बड़ी हूँ। हाँ ये बड़ी है लेकिन ये छोटी है लाज के घूंघट में। छोटी मुझे समझाने दो। ओके हवाओं को बहने दो। मैडम अब मेरा नाम है बड़ी लेकिन मैं इनकी छोटी बहन हूँ, और इनका नाम है छोटी लेकिन ये मेरी बड़ी बहन है। हवाओं को बहने दो। अबे हवाएं तो बहलेंगी, ये जो दूल्हा बह गया है नाम के कंफ्यूजन में उसका क्या? ए रामू अंकल। जी जी मैडम। अरे ये कैसे नाम रखे हैं छोरियों के, बड़ी वाली का छोटी रख दिया है और जो छोटी है उम्र में उसका बड़ी रख दिया है, ये बड़ा जो है महान काम कराया तुमने। देखा मैडम मुझे भी यही कंफ्यूजन हो गया दूल्हे की ड्रेस में। मैंने छोटी वाली को पसंद किया यानी कि ये जिसका नाम है बड़ी, और मुझे टिकाई जा रही है ये बड़ी वाली जिसका नाम है छोटी दूल्हे की ड्रेस में। ओ यार आइसक्रीम तो यार एकदम जानलेवा है, जानलेवा यानी कि कुछ नहीं। बहुत खड़काही का। एक मिनट वैसे देखने में जो है ना तुम्हारी जोड़ी ये जो बड़ी वाली है जिसका नाम छोटी है उसके साथ ज्यादा जमती है। हाँ क्योंकि जो छोटी है जिसका नाम बड़ी है उसके तो तुम अंकल लग रहे हो। हाँ? हाँ? जी नहीं अंकल,
मैं हूँ नवीन नौजवान दूल्हे की ड्रेस में। मैं बड़ी वाली से नहीं बल्कि छोटी वाली से शादी करूंगा जिसका नाम है बड़ी, क्योंकि मुझसे तो यही पूछा गया था कि तुम्हें छोटी पसंद है, और मैंने कहा था हाँ दूल्हे की ड्रेस में। किसने किसने पूछा था? मैडम जी, अरे इनके फूफा जी ने, जिन्होंने ये रिश्ता तय करवाया था। भैया ये कौन है फूफा है? जिससे कुछ पूछ और लिया गया, उसने समझा कुछ और दिया और हो कुछ और गया है। जरा फूफा को बुलाओ, और तब तक तुम रामू अंकल शादी जरा होल्ड पे रखो। जी जी मैडम बिल्कुल। हालात जिंदगी भर चौकी नहीं गए, आज शादी में चक्कर लगवा रहा है। फूफा आ गए तुम, हमारी जिंदगी बर्बाद करके इधर आओ। मैडम मैडम, ये मैडम हमारे फूफा। नाम क्या है फूफा जी का? मैडम हम है फूफा गाल फुला के। अरे फूफा जी, हमें पता है कि आप फूफा हैं, लेकिन मैडम क्या है ना, नाम पूछ रहे हैं नाम। अरे तो वही तो बता रहे हैं, हम फूफा हैं, फूफा गाल फुला के। ओए फूफा, मैनू ज्यादा गुस्सा ना दिला, वरना उठ के ना गर्दन पे मुक्का मारूंगा। मुझे पसंद नहीं है मम्मी जी के साथ कोई मजाक करे। आई डोंट लाइक ह्यूमन। ओ ह्यूमर नॉट ह्यूमन। या दिस वन कैरी ऑन। महिला महिला, अरे यार जलेबी एकदम रसभरी, यानी कि रसीली, यानी कि जाने का कुछ नहीं। ए फूफा, नाम बोल अपना जल्दी, और भी काम है हमें यहाँ। अरे मैडम हम अपना नाम ही तो बता रहे हैं, फूफा। फूफा फालतू गाल फुला के। तो भाई फूफा फालतू या तुम्हारा पालतू भतीजा के कह रहा है, हैं? कि तुमने जो है छोटी दिखाई और बड़ी टिकाई। अरे मैडम बिल्कुल गलत बात है, मैंने वहां आराम से पूछा था कि भैया तुम्हें छोटी पसंद है छोटी, तो ये बोले छोटी पसंद है फूफा, छोटी से करवा दो। अब जब इसकी शादी हम छोटी से करवा रहे हैं तो काहे चला बैठा है गाल फुला के। और फिर हमने तुम्हें बताया था ना कि ये छोटी है ये बड़ी है, तुम्हारी समझ में नहीं आया तो हम क्या करें, गाल फुला के? बंद करो ये कंफ्यूजन मैडम, निकालिए ना कोई सॉल्यूशन। ओके बाय। सॉल्यूशन तो भैया मन ने यो दिखे कि छोरी देखते वक्त जो एक्टिविटी वगैरह हुई थी वो जो है हमें जाननी है, जिसके लिए करना पड़ेगा एक डेमो। तो भैया कल आना, कल चौकी में होगा डेमो। दैट्स राइट। हैप्पी बर्थडे टू मी इज द हैप्पी बर्थडे टू मी इज द हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे अंकल। ओह थैंक यू इजा। मुझे भी तो दो। ओहो लो भैया। अंकल गिफ्ट। ओहो थैंक यू यार, वेरी गुड यार। अंकल अगर रबड़ी होती तो मजा आ जाता। कोई बात नहीं बेटे, अगले साल रबड़ी खिला दूंगा। देखो तो सही क्या है गिफ्ट में। ये तो खाली डब्बा है। गिफ्ट अगले साल दे दूंगा। जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने फूफा दूल्हे की ड्रेस में। अरे काहे जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें बताया तो था ये छोटी है ये बड़ी है, अब तुम्हारी समझ में नहीं आया तो हम क्या करें, गाल फुला के। हम चलो चलो रेडी डेमो के लिए, सब तैयार है? हाँ जी जी हाँ, हाचर हाचर। मैडम डेमो शुरू करवाएं? नहीं, लिख के दूंगी मैं पहले, फैक्स करूंगी टेलीफोन पर। अबे करवाओ यार। लेट्स स्टार्ट डेमो इज द चलो यार शुरू करो, कैरी ऑन। भाई शुक्ला जी ऐसा है, ये जो हमारा भतीजा है ना बहुत मजा किया है गाल फुला के। यानी कि अब इंतजार नहीं हो रहा, यानी कि अब सहन नहीं हो रहा, यानी कि अब रहा नहीं जा रहा, यानी कि लड़की को बुलाओ, यानी कि अरे यार तुम कमाल है यार, शादी इनकी होनी है कि तुम्हारी? तुम कहां इतने उतावले हुए जा रहे हो, हाचर हाचर। अरे बेटा आ जाओ, आओ
यार समोसे एकदम सनम दिख रहे हैं यानी कि। अरे यार फूफा देख लो बेटा ये छोटी है ये बड़ी है। मुझे जल्दी बड़ी है दूल्हे की ड्रेस में। तो मतलब छोटी तुम्हें पसंद है? अब ये मेरे दिल में बंद है दूल्हे की ड्रेस में। यानी कि रिश्ता पक्का 100%। भैया शुक्ला जी मुबारक हो। मुबारक आपको भी। हमारे भतीजे को छोटी पसंद है लाज के घूंघट में। बड़ी संस्कारी। बहुत संस्कारी। एक मिनट। जब रिश्ता पक्का हो ही गया है तो फोन नंबर भी दे दीजिए ताकि घंटों बातें होंगी दिल की। इसी बहाने एक दूसरे को और जान लेंगे दूल्हे की ड्रेस में। हाँ ठीक है मैं अभी स्टोर कर लेता हूँ। थैंक यू। चलो भाई सही है डेमो खत्म। नॉट सो नवीन नौजवान भाई तैने जो है इससे नंबर मांगा यो सोच के कि छोरी ये है, लेकिन इसने दे दिया अपनी बड़ी बहन का नंबर यो सोच के कि तैने उसको पसंद कराया बड़ी बहन को जिसका नाम छोटी है। वैसे मैडम मैंने जरा गौर से देखा ये फूफा ने बताया तो था कौन कौन है, लेकिन ये जो लड़का है ये इस छोटी वाली के हुस्न के हाका नूडल में मेरा मतलब है खूबसूरती के भुट्टे में मेरा मतलब है सौंदर्य में ऐसा खो गया था कि इसने कुछ सुना ही नहीं। और छोटी पसंद है पूछने पर तूने हाँ कर दी। हाँ ऐसा है नॉट सो नवीन नौजवान गलती सारी थारी है इसलिए बड़ी बहन से तू शादी करेगा। अरे नहीं करूंगा मैं शादी। देखिए मैडम मैं बता देता हूँ मैं 30+ के साथ शादी नहीं करूंगा। मैं नवीन नौजवान हूँ मैं तो 20+ के साथ ही शादी करूंगा दूल्हे की ड्रेस में। और खुद जो 40+ में चल रहा है उसका उसका क्या क्या। अरे दिल तो जवान है ना मेरा मैं तो 30+ नहीं 20+ के साथ ही शादी करूंगा दूल्हे की ड्रेस में। अरे यार देख ऐसा है तुम दोनों की उम्र जो है सही बैठ रही है आपस में जोड़ी सही जम रही है। अरे बेकार में छोटी वाली से करेगा बाप बेटी लगोगे दोनों ना मत मत। मुझे अपना लीजिए ना मैं तो आपको अपना पति मान चुकी हूँ मन ही मन लाज के घूंघट में। अरे लेकिन मैं नहीं मानूंगा मैडम बता देता हूँ। हाँ साहब साहब देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ 20+ के साथ ही शादी करूंगा दूल्हे की ड्रेस में। चल कुंवारा यहाँ से। हाँ। अरे फूफा जिंदगी खराब कर दिया चलो यहाँ से। अरे चलो फूफा चलो पकड़ी चल। अरे मैडम जी इसका मतलब हमारी बेटी के भविष्य का हो गया हाचर हाचर। अरे यार अंकल जी कुछ हाचर बचर ना भाई यो जो नवीन नौजवान गया है ना यहाँ से घना जो है इतराता हुआ ये तुम्हारी बड़ी बेटी से शादी करेगा। और अगर यो नवीन तुम्हारे पाँव में गिरकर तुम्हारी बड़ी बेटी का रिश्ता तुमसे ना मांगे तुम्हारा नाम भी चंद्रमुखी चौटाला नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.